74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर युवा एकता संगठन कमेटी ने जनपद में दौड़ प्रतियोगिता का कराया आयोजन। जनपद हापुड़ बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम रजटी में 74वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर युवा एकता संगठन कमेटी ने पहली बार दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया। ग्राम रजटी में यह पहली दौड़ प्रतियोगिता हुई है, जिसमें यह प्रतियोगिता बच्चों के हौसला अफजाई करने के लिए कराई गई है, जिसके मुख्य अतिथि रहे भारतीय किसान यूनियन अरचनैतिक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मांगेराम त्यागी रहे। सभी ग्रामवासियों ने बड़े ही शांति ढंग से कराई प्रतियोगिता। इस दौड़ में आसपास के 20 से 25 ग्रामों ने बच्चों ने भाग लिया, जिसमें सीनियर प्रथम स्थान पर 2100 रुपए एक सिल्ड, द्वितीय स्थान पर 1100 रुपए एक सिल्ड, जूनियर प्रथम स्थान पर 1100 रुपए एक सिल्ड, द्वितीय स्थान पर 551 रुपए एक सिल्ड। प्रतियोगिता का आयोजन दोपहर ठीक 1 बजे से किया गया। इस मौके पर मौजूद रहे और 500 रुपए और सिर्फ सेकंड को जूनियर वाला, पहली बार ये और इंशाल्लाह हर साल होगा। कितने बच्चों ने लगभग इसमें? लगभग इसमें 100 से ज़्यादा बच्चों ने प्रोग्राम भाग लिया है। प्रथम आने वाले को क्या पुरस्कार दिया जा रहा है? 2100 रुपए और सिर्फ सीनियर को 2100 रुपए और सिर्फ सर यहाँ 1100। यहाँ पे कोई एंट्री वगैरह नहीं? नहीं सर, कोई एंट्री नहीं। और जो दौड़ योगता है उसमें हमारे बड़े भाई मांगेराम त्यागी जी आए, ग्राम प्रधान किसान चौधरी और कॉलोनी के प्रधान जी वैद से सारी भाई हमारे साथ। तीसरा सर, जैसे ये प्रतियोगिता होगी क्या इस वक्त पहली बार होती है या इससे पहले भी होती है? नहीं, आपको पहले भी होती है। ये रजेटी का इतिहास आया है तो मुस्लिम सब एकता के लिए जिसके अध्यक्ष इरफान तोमर पीछे हैं, इन्होंने रजेटी में बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, बच्चों में खेल के प्रति जागरूकता पैदा करने के पर्पज से एक छोटी सी दौड़ का आयोजन किया है, जिसमें अभी हमारे सभी सम्मानित मांगेराम त्यागी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन माननीय गोपाल यादव जी, जिला पंचायत सदस्य इस क्षेत्र से हैं, भोलू भाई हैं मेरे, हमारे साथी है, मैं ग्राम प्रधान रजेटी और भारत किसान बाजू का राष्ट्र उपाध्यक्ष इरफान चौधरी आपके सामने हूँ। इस दौड़ का मकसद युवाओं में खेल के प्रति रुचि पैदा करना है और जो समाज में अब नशे की तरफ उसमें जो युवा भागने लगे उनको लौटा के दोबारा जो भारत की पहचान है खेलों की, उस खेलों के प्रति जागरूकता पैदा करें। युवा समाज इस खेल का सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मांगेराम त्यागी। सर ये जो भाग प्रतियोगिता हो रही है यहाँ पर किस विषय में हो रही है? आज पूरा देश गणतंत्र दिवस को मना रहा है और ये हापुड़ के जनपद गांव रजेटी में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो हमारे आयोजक हैं तोमर साहब, हमारे बड़े भाई इरफान साहब, हमारे प्रमुख साहब यादव जी, इन सब लोगों ने मिलकर एक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो ये आज इस दौड़ का आयोजन यहाँ किया है, इतना सुंदर प्रोग्राम आज का ये रहा, काफ़ी भारी तादाद में भीड़ आई है और फिर भी योगी इसमें बहुत दूर दूर से आए हैं। एक अच्छी दौड़ का आयोजन इसलिए किया गया है ताकि हमारा गणतंत्र दिवस एक यादगार बन रहे, हमारे जो नौजवान हैं उनका खेलों के प्रति रुझान बढ़े। आप देखते हैं कि जैसे ओलंपिक होते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पदक हमारे देश के नौजवान हमारे देश के लिए जीत के लाएँ, उन्हीं का हौसला अफजाई करने के लिए आज इस दौड़ का यहाँ आयोजन किया गया है। बहुत सुंदर प्रोग्राम है, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ इसमें दौड़े हैं
और बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ खिलाड़ियों ने किया है, बहुत खुशी हुई है मुझे यहाँ पर। सर जीतने वाले के लिए क्या क्या इनाम रखा गया है? जीतने वाले के लिए जो इंतजामिया हमारी कमेटी है उसने बड़े पुरस्कार रखे हैं, आप देख रहे हैं एसिड में जो है मोमेंटो रखे हुए भी आपके सामने, और नगद पुरस्कार भी देने की घोषणा जो है यहाँ पर की गई है। और मैं कहता हूँ पुरस्कार की राशि कोई बड़ी बात नहीं होती, आप देखो गोल्ड मेडल कितना सा होता लेकिन उसका सम्मान कितना होता है, आप देखो परमवीर चक्र जो भारतीय सेना के जवान हमारा जीतते हैं कांसे का इतना सा पदक होता है, लेकिन उसके सम्मान में बड़े बड़े नेताओं को भी और ऑफिसरों को भी उसके जो है सलूट करना पड़ता, तो राशि कोई बड़ी मायने नहीं रखती है। आज बहुत सुंदर प्रोग्राम यहाँ हमारे गुरुमुख साहब, हमारे जो है सुल्तान भाई हैं, हमारे कुंवर भोजू खान साहब बैठे हैं, हाजी जी हैं, गारी साहब हैं, हमारे चचा मियाँ, इनके सहयोग से मैं इनका बार बार धन्यवाद करता हूँ कि इनके जेहन में इतना सुंदर एक प्रोग्राम आया। आज पहला प्रोग्राम है गाँव के अंदर, और मैं ये आपके टीवी चैनल के माध्यम से वादा करता हूँ कि अब इस गांव में हर प्रत्येक गणतंत्र दिवस को हमारे प्रधान जी के सहयोग से, हमारे गांव के सहयोग से कुछ जितना बन पड़ेगा हम भी सहयोग करेंगे, हम प्रत्येक वर्ष अब ये प्रोग्राम हुआ करेगा, ये यादगार बनेगी, इससे हमारे गांव का नाम, मैं कह रहा हूँ जब हमारे ये दौड़ने वाले खिलाड़ी हर दौड़ में इनाम जीत के लाएंगे, गोल्ड मेडल लेके आएंगे, तो देश में हमारे गाँव का नाम रोशन होगा। सर ये जो प्रोग्राम रखा गया है इसका पूरा उद्देश्य क्या है? आज ग्राम रचेटी में संबंधित साथियों के नाम ले लो सबके सामने। हाँ जी जी। आज रचेटी में आदरणीय पांजेराम त्यागी जी किसान यूनियन के राज प्रदेश अध्यक्ष हैं, राज्यसभा अध्यक्ष हैं। क्या नाम है सर आपका? ग्राम रचेटी। तो ये जो रेस प्रतियोगिता हो रही है किस विषय में हो रही है? ये युवा युवा एकता संगठन के लिए हो रही है, जो हमारा संगठन स्टार्ट कर रहा है युवा का, मतलब सभी बच्चों का उत्साह बढ़ाने का। सर यहाँ पे जो टीम आई हुई है वो कहाँ कहाँ से आई हुई है? सर यहाँ की टीम काफ़ी जगह की खेड़ा की है, दिल्ली साहब है, कुछ बंदे कोई लड़ाना साहब है, कोई बक्सर साहब है, जमालपुर साहब है, और तुम्हारा रचेटी के रहने वाले सभी जगह से है, सहजपुरा खाऊ से सभी जगह से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम साबित तोमर है, मैं ग्राम रजैटी जिला हापुड़ का रहने वाला हूँ। हम लोगों ने ये सोचा हमारे गांव में और आसपास के गांवों में एक समस्या चल रही थी, हमारे यहाँ के लोंडे आर्मी में या जो भी गवर्नमेंट जॉब होती है उनमें बहुत कम लग रहे थे, अब हमने सोचा कैसे इनका उत्साह बढ़ाना चाहिए, तो हम जितने भी भाई हैं और हमने एक युवा एकता संगठन ग्रुप बनाया छोटा सा, तो हम लोग मदद भी करते हैं, मतलब छोटी छोटी मदद भी कर देते हैं लोगों की, और हम सोच रहे हैं जैसे उत्साह बढ़ेगा हमारे एरिए का नाम रोशन होगा, हो सकता है कोई राष्ट्रीय लेवल पे भी खेल सकता है और कोई राज्य के लिए भी उसे गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, हमारे लिए बहुत सम्मान की बात होगी, हमारा यही पर्पज़ है, धीरे धीरे हम काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज हमने इतना करा है, पहली फर्स्ट टाइम करा, तो आने वाले टाइम में और बड़ा करने की कोशिश करेंगे, तो यही हमारा मकसद है, युवा एक जागरूक घरों में और हो सके हमसे जितना भी लाइव जो भी हमारी पड़ेगी हम उसके लिए हर सहयोग के लिए तैयार हैं। बाकी हमारी कमेटी इरफान भाई, आरिफ भाई, सलमान भाई और जिसान भाई, रियाज भाई, सद्दाम भाई और शकील भाई, परवेश भाई, बहुत सारे हैं, मतलब संगठन में कम से कम तकरीबन 20-25 लोग हैं और भाई हमारे, तो हमारा कहने का पर्पज यही है बस, एक हमारे गांव का नाम हो कि गांव में एक युवाओं ने पहल करी है आगे बढ़ने के लिए, हमारे वारिस भाई हैं, तो हम भी चाहते हैं हमारे गांव का नाम हो किसी स्तर पे, हो हमारे गांव का नाम। देख के बाहर हो जाएगा।